दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भी हम टैक्स इनवॉइस को देखकर किस प्रकार से पहचान करेंगे भी इस वाउचर की एंट्री हमारी टैली सॉफ्टवेयर में परचेज वाउचर में होने वाली है या फिर सेल वाउचर में होने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो कन्फ्यूजन है जो अकाउंट के स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो टैली सॉफ्टवेयर को सीख रहे हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही रहता है भी टैक्स इनवॉइस उन्होंने पहचान लिया बट इतना कन्फ्यूजन रहता है भी हम इसको परचेज वाउचर में एंट्री होने वाली है या फिर सेल वाउचर में एंट्री होने वाली है, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, वो केवल टैली सॉफ्टवेयर के भरोसे अकाउंट सीख रहे हैं। तो अगर आपको भी इस टाइप का कोई कन्फ्यूजन रहता है भी आप इनवॉइस को देख के हमेशा ही कन्फ्यूज रहते हो भी एंट्री परचेज वाउचर में जाएगी या फिर सेल वाउचर में जाएगी, तो आज की इस वीडियो को आपने एंड तक देख लिया तो ये आपका कन्फ्यूजन 100% दूर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप आगे आने वाले टाइम में अगर आपको कुछ इस टाइप का टैक्स इनवॉइस दे दिया जाएगा तो आप एक सेकंड के अंदर इसकी पहचान कर लोगे भी ये हमारी कंपनी के लिए परचेज वाउचर है या फिर सेल वाउचर है। परचेज वाउचर है तो इसकी एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, अगर ये सेल वाउचर है तो इसकी ट्रांजेक्शन टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से पास होगी। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ टैली सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल शेयर करने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, तभी आपका ये कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों ये है हमारे सामने एक टैक्स इनवॉइस। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का वाउचर है, फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी आपको एक चीज ये तय करनी है कि इस इनवॉइस के हेड पे टाइटल पे क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो टैक्स इनवॉइस है, तो अब एक बात तो क्लियर होगी कि ये गुड्स सेल करने का इनवॉइस है, यानी कि इस वाउचर के थ्रू प्रोडक्ट को सेल किया हुआ है। अब ये बात आएगी भी ये सेल हुआ किसकी तरफ से है, ठीक है। अभी हमारा यानी कि अब एक बात यह होगी भी ये कोई पेमेंट नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रा नहीं है, कोई जनरल वाउचर नहीं है, होगा परचेज में या फिर सेल इनवॉइस में, क्योंकि टैक्स इनवॉइस का मतलब ये होगा या तो ये आपके लिए परचेज है या आपके लिए सेल है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, कॉन्ट्रा, जनरल वाउचर, पेमेंट रिसिप्ट का कोई झंझट ही खत्म है। एक बात, पहली बात आपका ये क्लियर हो गया। अब बात आएगी भी ये टैक्स इनवॉइस है, प्रोडक्ट को सेल किया गया, यहां तक सही है, लेकिन सेल हुआ किसकी तरफ से है। तो अब एक बात हमें एक और पता होना चाहिए भी जिस भी कंपनी का नाम हेडिंग पे होगा, जैसे कि अभी यहां पर देख सकते हो विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी लिखा हुआ है, तो यानी कि ये जो टैक्स इनवॉइस है ये विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा इश्यू किया गया है। अब एक बात यहां पर तय होगी भी ये विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से सेल वाउचर बनाया गया है, तो अब विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी के लिए तो ये सेल वाउचर बन गया। अब बात आएगी ये परचेज वाउचर किसके लिए बनेगा। तो दोस्तों अगर कोई भी नाम बिल्ड में, कस्टमर नेम में इस तरीके का अगर कोई वर्डिंग लिखी हुई है और वहां पर जिस कंपनी का नाम है, चाहे वो किसी कंपनी का नाम है चाहे वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम है, तो इसका मतलब ये सामान इस पार्टी को सेल किया गया है। सेल किया गया मतलब विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी ने स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को ये प्रोडक्ट है जो इस इनवॉइस के अंदर वो सेल किए गए हैं। अब एक बात यह होगी विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से सेल वाउचर बन चुका है और स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से ये परचेज वाउचर बन चुके हैं, तो आपको ये बातें विशेषकर ध्यान में रखनी है। तो अब शायद आपका कन्फ्यूजन ये दूर हो रहा है, यानी कि जो भी पार्टी कोई भी प्रोडक्ट सेल करेगी तो ये विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी का सेल किया गया, जो भी पार्टी होगी उसका नाम हेडिंग के अंदर लिखा होगा। अगर ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी का नाम विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी की जगह होता और ये विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी का नाम इस स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की जगह होता तो इसका मतलब क्या बनता, ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को प्रोडक्ट है जो सेल किए गए हैं। अब बहुत सारे लोग इस तरह के कन्फ्यूजन रहते हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं भी हमें कोई टैक्स इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा भी ये हमारे लिए परचेज या सेल है। परचेज या सेल किसी भी इनवॉइस के ऊपर नहीं लिखा होगा, ठीक है, टैक्स इनवॉइस लिखा होगा या फिर कोई सप्लाई लिखा होगा, जीएसटी टैक्स इनवॉइस भी लिखा हो सकता है या खाली टैक्स इनवॉइस लिखा हो सकता है, तो यानी कि ये ऐसा नहीं लिखा होगा भी ये सेल, कुछ इस तरीके से नहीं वर्ड आपको नहीं लिखेगा और नहीं आपको कुछ इस तरीके से लिखा दिखाएगा ये परचेज, ये आपको ही देख के पहचान करना है। अब बात आएगी भी हम इसकी ट्रांजेक्शन किस प्रकार से करेंगे।
हम ट्रांजेक्शन अगर हम बात करें विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से, तो हमारे पास दोनों कंपनी हमने क्रिएट कर लिए। एक हमारे सामने है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की और दूसरा है विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी के लिए। तो अगर हम पहला पॉइंट की बात करें भी, अगर ये हमारे पास इनवॉइस आया है इसका मतलब क्या हो गया, हमने परचेज किए, तो परचेज करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, परचेजर कौन है, इस इनवॉइस के आधार पर हम देखें तो ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी ने प्रोडक्ट को परचेज किया है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री कहां पर होने वाली है, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी में। अगर आप विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से इस वाउचर को देख रहे हो तो इसका मतलब विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी ने प्रोडक्ट को सेल किया है। तो हम सबसे पहले विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से चलते वाउचर पे जाएंगे और हम यहाँ से सेल वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में अब जो हमारा कस्टमर रहेगा कौन है, किसको सेल किया जा रहा है विश्वकर्मा ट्रेडिंग की तरफ से, स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को। तो अब ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी के लिए क्या बनेगा, सेंड्री डेप्टर, क्योंकि ये इसका खरीदार है तो ये सेंड्री डेप्टर में आएगा। और उसके बाद में जो हमारे पास इस टैक्स इनवॉइस के अंदर जो भी स्टॉक आइटम है वो स्टॉक आइटम यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और हमेशा की तरह जैसे परचेज या सेल इनवॉइस हम बनाते हैं उसी तरीके से सारी ट्रांजेक्शन इसकी पास कर लेंगे। और उसके क्योंकि मैंने परचेज वाउचर की एंट्री किस प्रकार से होती है, सेल वाउचर की एंट्री किस प्रकार से होती है, ये सारी वीडियो हमने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, मल्टी जीएसटी रेट के साथ में टैक्स फ्री की परचेज किस तरीके से करनी है, आप हमारी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिएगा, सारे टोटल वीडियो आपको टेली से रिलेटेड वहीं पर मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से, तो अब ये स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से क्या बनने वाला है, परचेज वाउचर। तो अब इस कंडीशन में स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी अगर आपकी कंपनी है तो आप इसको परचेज वाउचर में एंट्री पास करोगे और उसी तरीके से हमेशा की तरह आप हमारा जो वाउचर का नंबर है वो वाउचर नंबर वहां पर लिखेंगे 324 इस तरीके से, जो डेट वगैरह हम लगाएंगे। अब यहाँ पर हम पार्टी अकाउंट नेम में विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। अब स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के लिए विश्वकर्मा जो ट्रेडिंग कंपनी है वो सेंड्री क्रेडिटर बनेगी, क्योंकि अब विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी के लिए क्या है, सेलर है, यानी कि ये सप्लायर है और सप्लायर हमेशा सेंड्री क्रेडिटर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से बाकी आपकी जो स्टॉक आइटम इनवॉइस में है वो सारी स्टॉक आइटम हम परचेज वाउचर की तरह उसमें पोस्ट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम परचेज वाउचर या अगर आपके सामने कोई भी टैक्स इनवॉइस है तो हम पहचान कर सकते हैं ये हमारे लिए परचेज वाउचर बनेगा या फिर सेल वाउचर बनेगा। सिर्फ ध्यान ये रखना है जिसका भी नाम यहाँ पर हेडिंग हो गया वो इश्यू करने वाला है टैक्स इनवॉइस, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, और जो परचेजर होगा उसका नाम यहाँ पर आएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता भी यहाँ पर कोई नाम ही नहीं होगा और यहाँ पर परचेजर के अंदर जो खरीद रहा है उसका नाम होगा, वो इनवॉइस है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हेडिंग में नाम लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे बिल के अंदर कोई नाम नहीं है कस्टमर का, चाहे वो कैश हो सकता है या किसी न किसी का नाम जरूर लिखा होगा, कंपनी का नाम, इंडिविजुअल पर्सन का नाम, कैश सेल हो सकती है, जरूर होगा। ऐसा नहीं है बिल के अंदर आपको कुछ भी डाटा देखने को ना मिले, ठीक है। तो दोस्तों आई मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ सीखने को मिला है। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रहता है टैक्स इनवॉइस को लेके या वाउचर को लेके भी, परचेज वाउचर या सेल वाउचर अभी तक भी आपको पहचानने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पर बनाने की। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर कर लेना।